तो अभी हम आ गए विरूपाक्ष टेम्पल। अगर फास्ट एंट्री आकर दर्शन करना है तो 25 रुपये स्पेशल एंट्री फीस है, वो आपको दे के आप अंदर जा सकते हो। मंदिर के बाहर आते ही इस साइड में एक पानी का कुंड दिखाई देगा आपको। यहाँ छोटा सा मार्केट है, अगर आपको कुछ परचेस करना है, टोपी या कुछ हैंडलूम चीज़ें दिख रही इधर यहाँ, तो आप वो परचेस कर सकते हैं। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू हम्पी। मैं आया हूँ विरूपाक्ष टेम्पल। बस से उतरने के बाद जस्ट लेफ्ट साइड में आपको ये विरूपाक्ष टेम्पल दिखाई देगा, वॉकिंग डिस्टेंस में खाली 5 मिनट, तो आप यहाँ आ सकते हैं। तो अभी हम चले विरूपाक्ष टेम्पल, उसके साइड में ही आपको ये गणेश टेम्पल वगैरह जो हमने दिखाया था वही साइड में ही है इधर। यह आ गए हम विरूपाक्ष टेम्पल के सामने, ये देखिए आगे। अपने जूते निकालने के लिए राइट साइड में एक स्टैंड दिया है, वहाँ आपके जूते निकालना पड़ेगा। आपको यह चप्पल निकालना पड़ेगा, 2 रुपये पर पेयर। आए तो सकते बरवा कोड़ दे, ओके। रिटर्न आने के बाद पैसा दिया तो चलेगा। चप्पल स्टैंड पे रखने के बाद अभी हम निकल रहे हैं अंदर, देखे मंदिर। ये आ गए हम अंदर। यह है विरूपाक्ष टेम्पल के अंदर का ये एरिया, ये देखिए। यहाँ सभा मंडप भी है, वहाँ एंट्री है, ये देखिए। विरूपाक्ष मंदिर दिसंबर में विरूपाक्ष और पंपा के विवाह का जश्न मनाता है और फरवरी में रथ उत्सव मनाया जाता है। लकड़ी से बने 2 रथों को हम्पी की मुख्य सड़कों पर निकाला जाता है और भगवान और देवी के वार्षिक विवाह का आयोजन किया जाता है। दिवाली और महाशिवरात्रि विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में बनाने वाले प्रसिद्ध त्योहारों में से है। विरूपाक्ष प्राचीन भारत की सबसे पुरानी संरचना में से एक है, 7वीं शताब्दी से इसका आबादित इतिहास रहा है। हालांकि मंदिर के बारे में शिलालेख 9वीं और 10वीं शताब्दी के हैं। इसकी शुरुआत एक पवित्र तीर्थस्थल के रूप में हुई थी और वर्षों में विभिन्न राजवंशों के द्वारा इसका विस्तार किया गया। अगर फास्ट एंट्री आकर दर्शन करना है तो 25 रुपये स्पेशल एंट्री फीस है, वो आपको दे के आप अंदर जा सकते हो। ए दिलागा। हालांकि 14वीं शताब्दी में मुगल शासन के दौरान हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर की सजावटी वास्तुकला नष्ट हो गई थी। बाद में 19वीं सदी में मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। यह मंदिर भगवान विरूपाक्ष और उनकी पत्नी देवी पंपा को समर्पित है। विरूपाक्ष भगवान शिव का ही एक रूप है। इस मंदिर की मुख्य विशेषता
यहाँ का शिवलिंग है जो दक्षिण की ओर झुका हुआ है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक रावण जब शिव जी के दिए हुए शिवलिंग को लेकर लंका जा रहा था तो यहाँ पे रुका था। रावण ने यह शिवलिंग एक बूढ़े आदमी को पकड़ने के लिए दिया था। उसी बूढ़े आदमी ने यह शिवलिंग जमीन पर रख दिया। उसी वक्त से यह शिवलिंग इसी जगह मौजूद है। विरूपाक्ष मंदिर की दीवारों पर उस घटना के चित्र बनाए गए हैं। इसमें दिखाया है कि रावण भगवान शंकर से पुनः शिवलिंग को उठाने की प्रार्थना कर रहा है, लेकिन भगवान शिव मना कर देते हैं। बताया जाता है कि यह मंदिर करीब 500 साल पुराना है। द्रविड़ स्थापत्य शैली में बने इस मंदिर का गोपुरम 500 साल से पहले बना था, जो 50 मीटर ऊंचा है। भगवान शिव और देवी पंपा के अलावा यहाँ पर कई छोटे छोटे मंदिर है। विक्रमादित्य द्वितीय की रानी लोकमाह देवी ने इस विरूपाक्ष मंदिर को बनवाया था। इस मंदिर को पंपावती मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य मंदिर में एक गर्भगृह और एक तीन द्वार वाला कक्ष है, जिसके बाद एक स्तंभ युक्त और खुला हॉल है। स्तंभों वाले हॉल के बगल में स्थित एक पत्थर की प्लेट पर शिलालेख प्रसिद्ध राजा कृष्णदेवराय के योगदान को दर्शाते हैं। वह मंदिर के संरक्षक थे। मंदिर हॉल में संगीत, नृत्य, नाटक और देवताओं के विवाह के संबंधित नियमित कार्यक्रम होते थे। विरूपाक्ष मंदिर से जुड़ा धार्मिक मूल्य से हजारों भक्तों के बीच लोकप्रिय बनाता है। यह हम्पी में एकमात्र मंदिर है जो आज तक क्रियाशील है। ऐसा माना जाता है कि आंगन में नंदी बैल की पवित्र मूर्ति ध्यान खींचने वाली है। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक में हिंदुओं का सबसे बड़ा स्मारक है। विरूपाक्ष टेम्पल से नियरेस्ट रेलवे स्टेशन हॉस्पेट में है, जो कि 15 किलोमीटर दूर है। यहाँ आप बाय रोड भी आ सकते हैं। मंदिर के बाहर आते ही इस साइड में एक पानी का कुंड दिखाई देगा आपको, ये देखिए। मंदिर के बाहर आने के बाद ऐसे छोटे छोटे मंदिर यहाँ दिखाई देंगे आपको, ये देखिए। और अभी हम जा रहे हैं नदी की तरफ, उस साइड में। अभी हम जा रहे हैं नदी की तरफ यहाँ से। इस तरफ से जाना है। यहाँ से बाहर आने के बाद आपको ये नदी किनारे ये रास्ता खुल जाता है। यहाँ छोटा सा मार्केट भी है, ये देखिए। अभी हम आ गए तुंगभद्रा नदी के किनारे, ये देखिए। गर्मी थोड़ी ज़्यादा, इसलिए गन्ने का जूस पी रहे, शुगर केन जूस। गांव जैसी टेस्ट नहीं है, लेकिन इधर छोटा सा बाजार है। अगर आपको जूस या कुछ खरीदना चाहते हो तो आया कर सकते हो।
तो अभी हमारा विरूपाक्ष टेम्पल का दर्शन हो गया है और हम तुंगभद्रा के भी दर्शन करके रिटर्न निकल रहे हैं। यहाँ छोटा सा मार्केट है, अगर आपको कुछ परचेस करना है, टोपी या कुछ हैंडलूम चीज़ें दिख रही इधर यहाँ, तो आप वो परचेस कर सकते हैं। कुड़ पलीगढ़ है। हम्पी में स्थित सभी पर्यटन या धार्मिक स्थल पर वैसे तो आप साल भर जा सकते हैं, लेकिन गर्मी और बारिश के मौसम में यहाँ जाने से आपको बचना चाहिए। आप अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक जा सकते हैं और यहाँ के आसपास के क्षेत्रों को भी घूम सकते हैं। अभी हम आ गए मंदिर के बाहर। अभी हमारी चप्पल या शूज जो भी हम लेंगे, तो अभी हम चप्पल या हमारे शूज लेके बाहर आ गए। अगर आपको कडलकोल गणेश टेम्पल जाना है जो हम कल गए थे, तो विरूपाक्ष टेम्पल के साइड में से एक छोटा सा रोड और स्टेप भी है जो आप यहाँ से डायरेक्टली जा सकते हो, ना कि हम्पी बाज़ार से होके। ये पीछे विरूपाक्ष टेम्पल है। थैंक यू। देखा है नहीं है मेरे पास, ये देखो ये है मेरा, मैंने लिया है कल भाई, है मेरे पास है। दोनों सर तुम्हारे लिए टेंट फोटो। अरे मेरे पास है भाई, दो लेके क्या करूँ बोल। एक लो, 10 फोटो है मेरे पास, मैंने लिया है कल ही, वही बोल रहा हूँ तुझे। तो ये पीछे विरूपाक्ष टेम्पल, हम आ गए आगे। ये रहा शानदार नज़ारा विरूपाक्ष टेम्पल का, कडले कालू गणपति टेकड़ी से ये वाला। अभी मैं आया हूँ विरूपाक्ष टेम्पल के ये लेफ्ट साइड वाले ऊपर के दालान पे। ये देखिए यहाँ कम, यहाँ से मंदिर का व्यू एकदम मस्त दिखता है। ये देखिए पीछे, विरूपाक्ष टेम्पल के दर्शन होने के बाद अगर आपको थोड़ा आराम करना है या मस्त पैनोरमा व्यू का आनंद उठाना है, तो विरूपाक्ष टेम्पल के लेफ्ट साइड में जो टेकड़ी या हिल है थोड़ा छोटा सा, उसके बाजू में आप इस छत के नीचे देख के इस पैनोरमा व्यू का आनंद उठा सकते हो। पूरा हम्पी का नज़ारा यहाँ से देखने को मिल रहा है, देखिए पीछे ये वाला। तो आज की विरूपाक्ष टेम्पल की इंफॉर्मेशन, ये सफ़र आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल पर आप अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।